Hi everyone, this is Anuj and I'm your mentor on this platform. So welcome everyone to Fundland by Anuj official YouTube channel. So आज मैं आपके सामने आ गया हूँ पूरे दिन के फिजिकल के समाचार लेकर, पूरे दिन के फिजिकल के हाल लेकर, क्या कुछ नया हुआ, किन्हें बाहर निकाला गया, कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिए गए, कौन से डॉक्यूमेंट के कारण आप रिजेक्ट हो गए, कितनी बैच में रनिंग करवाई गई, कितनी लड़कियों की परफॉर्मेंस रही, लड़कों का रेशियो क्या रहा, कौन सा आपके पास कुछ नया देखने को मिला है, लाइसेंस एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, लास्ट बैच ने कब तक रनिंग की है, लॉन्ग जंप में फट्टा लगाकर करवाई या नहीं, चिप लगी है या नहीं लगी है, इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। पूरे दिन में जो भी घटित हुआ है वो सब आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन खबरें बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक आपके पास मैं लेकर आता रहता हूं, तो आपसे फ्यूचर में कुछ मिस ना हो इसलिए बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन आप दोनों दबा लीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गर्ल्स की परफॉर्मेंस की, आज गर्ल्स ने क्या कमाल किया है, क्या नहीं किया है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। गर्ल्स का जो फिजिकल था वो था एनपीएल ग्राउंड के अंदर, और अगर गर्ल्स की अटेंडेंस की बात करें तो गर्ल्स की अटेंडेंस अप्रोक्सीमेट 287 आउट ऑफ 500 मींस 285 के करीब, जहां पर बता रहे 5 या 7, ठीक है, 285-87 के करीब आपकी गर्ल्स की जो थी वो अटेंडेंस वहां पर रही है आपकी, ठीक है ना। सो इतनी लड़कियां सिर्फ वहां पर प्रेजेंट थी और जो इसके अलावा थी वो सारी एब्सेंट थी, ड्यू टू आप बीमारी मान सकते हैं, किसी के पास घबराहट मान सकते हैं, किसी के सोचा होगा मेरे डॉक्यूमेंट नए हैं, किसी ने सोचा होगा मेरे पैरों में दर्द है, किसी के फ्रैक्चर है, किसी की तैयारी नहीं है, ठीक है, तो या फिर किसी की कोई सहेली नहीं जा रही तो वो भी रुक गई होगी, ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके, लेकिन जो अटेंडेंस थी वो थी 285 के करीब, ठीक है। अब बात करते हैं इनमें से रनिंग आपकी करवाई गई तो रनिंग कितनी लड़कियों ने पास की होगी, तो वहां पर जो रनिंग पास की वो 112 से 115 के बीच में, ठीक है, 112 से 115 के बीच में लड़कियों ने वहां पर रनिंग को क्वालिफाई किया। अब इनके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये दो चीजें और बच रही थी, और लास्ट तक जब फाइनल उनको येलो बैंड मिल गया है उस वक्त तक कितनी लड़कियां पास करके निकली हैं, तो उस वक्त तक सिर्फ आपकी 21 से 25 लड़कियां आपकी पास करके निकली हैं, ठीक है। सो ये रेशियो अभी हमें पता लग रहा है अभी के लिए कि भैया 21 से 25 तक का आपका रेशियो है, लड़कियां इतनी ही पास होके निकली हैं, इतना 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 आपका ये रेशियो है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगी वो मैं कम्युनिटी पे दे दूंगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए यही बता रहे हैं कि भैया आपका इतनी अटेंडेंस रही है और सिर्फ 25 लड़कियां ही आपकी अप्रोक्सीमेट आपकी फिजिकल को क्वालिफाई कर पाई है, ठीक है। सो लड़कियां आप देख सकती हो कि कंपटीशन कैसा है, और ऐसे में भी अगर आप नहीं जाओगी तो बिल्कुल बेकार बात है यार, तुम सबने तैयारी की है, जिनने थोड़ी सी भी तैयारी की ना वो इन 25 के अंदर तो नाम लिखवा ही लेगी, ठीक है। सो लड़कियों आप जरूर जाना अगर आपकी तैयारी है तो, ठीक है, स्पेशली फॉर फीमेल्स। चलिए अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, लड़कियों का सारा क्लियर हो गया है भाई, ठीक है, कितना रहा, कितना क्या नहीं रहा, क्या परफॉर्मेंस रही, अब आप अपने आप को जज कर लो कि इतनी अटेंडेंस आ रही है, आधी मान लो, ठीक है, 285 का मतलब आधी ले लेते हैं, 250 हम ले लेते हैं, ठीक है, आधी से कुछ ऊपर ले लो, 55 ले लो, ठीक है, उसके बाद इतने पास कर रहे हैं, इससे भी आधे और इससे भी बिल्कुल ही जीरो पे, तो यही कर रहे हैं आपके पास, तो ठीक है, यही आपका लड़कियों का हाल। सेकंड, हाइट और चेस्ट के बारे में, हाइट और चेस्ट के बारे में आज आपको बहुत अच्छी चीज देखने मिली, जो शायद दिल्ली के पुलिस के इतिहास में पहले नहीं देखने को मिली होगी आपको, 1 से 2 सेंटीमीटर अगर हाइट और चेस्ट आपकी कम है फिर भी आपको वहां पर अंदर ले लिया गया है, ठीक है, वहां पर आपको सिलेक्ट कर लिया गया, भाई 1 से 2 सेंटीमीटर हाइट छोटी है, 1.5 सेंटीमीटर छोटी है ना, तब भी आप सिलेक्ट हो गए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, जो दिल्ली पुलिस ने आपको, इसका मतलब है वो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिलवाना चाहती है, ठीक है, और जब आपको सिलेक्शन दिलवाना चाहती है तो वो आपको इन चीजों को नेग्लेक्ट कर रही है। सो जो लोग ये सोच रहे थे मेरी हाइट 1 सेंटीमीटर छोटी है, मेरी चेस्ट नहीं पूरी हो रही है, या मेरी हाइट 1.5 सेंटीमीटर छोटी है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको दिल्ली पुलिस ने यूं समझ लो कि सुनहरा मौका दिया है, तो आप उसका फायदा उठाइए, ठीक है। अगला, लाइसेंस, लाइसेंस की बात करें तो यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस वाले सबको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, लर्निंग लाइसेंस आपका यहाँ नहीं चला है। अब चला कौन सा है, जब लर्निंग लाइसेंस नहीं चला, तो जब आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं चला है तो आपके परमानेंट लाइसेंस यहाँ पर चलेगा। बहुत से लोगों का सवाल था क्या डीजी लॉकर वाले चले हैं, क्या कोई आपके पास प्रिंट आउट चला है, तो सुनने में ये आ रहा है, अभी सुनने में जो आ रहा है, ठीक है, अब बात को सुनिएगा, अगेन आई रिपीट, सुनने में आ रहा है, उनको वहां पर जो आपसे फॉर्म भरवाया था उसमें जो नंबर लिखवाया था लाइसेंस का, तो अगर आपके पास
डिजी लॉकर में है। अगर आपके पास किसी चीज का बना हुआ है कागज पे, तो आपको उस फॉर्म का जो डॉक्यूमेंट का फॉर्म था उसमें नंबर लिखना था, आपने वहां लाइसेंस का नंबर लिख दिया और लाइसेंस लिखने के बाद आपका वो भी वैलिड ही माना जा रहा है, ये वहां पर खबर आ रही है। सो जिसके पास डिजी लॉकर का है वो भी प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है, और प्रिंट आउट लेने के बाद वहां भी उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइसेंस का इश्यू, ठीक है। लॉन्ग जंप, क्या लॉन्ग जंप आपका फट्टा लगा के करवाई जा रही है? तो यस, बिल्कुल आपका लॉन्ग जंप है जो वो फट्टा लगवाकर आपका किया जा रहा है। अगला सवाल आपके लिए, लास्ट बैच कब फ्री हुआ था? तो लास्ट बैच जो फ्री हुआ था वो आपका 2:30 के करीब की खबर आ रही है कि लास्ट बैच जो था आपका 2:30 के करीब आसपास ही खत्म हो गया था, ठीक है भाई। अगला है आपका एंट्री, एंट्री आपकी करवाई जा रही है 5 बजे। अब आपको पूछोगे पहुंचना कितने है, 5 बजे आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाती है, तो आप 4:45 पहुंच जाइए, 4:30 पहुंच जाइए, वो आपके ऊपर है आप कितने बजे पहुंचते हो, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, साधन नहीं मिलेगा, मेट्रो भी नहीं चलती मिलेगी आपको, और भी कोई चीज नहीं मिलेगा, तो अपना टाइम से वहां पहुंच जाइए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला सवाल है कोविड पॉजिटिव होने पे क्या किया जा रहा है? कोविड पॉजिटिव होने पे आपके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिया जा रहा है, ठीक है, और सबमिट करने के बाद आपको कहा जा रहा है आपको बाद में डेट दी जाएगी। अभी डेट क्यों नहीं दी जा रही, वो एक बार ये चेक करेंगे कि आपके कितने बच्चे ऐसे हो जिनके ये कोविड की आपकी रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब ये देखने के बाद वो वहां पर शेड्यूल चेक होगा कि आपका शेड्यूल डिसाइड होगा कि किस शेड्यूल में आपको डेट दी जाए, किस शेड्यूल के अंदर आपको सेट किया जाए, ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको डेट अलॉट की जाएगी, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है ईडब्ल्यूएस न्यू, तो यहां पर जो एक नई चीज देखने को मिली है, जो स्पोर्टिव नेचर देखने को मिला है दिल्ली पुलिस का, वो यही देखने को मिला है कि आपकी जो न्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट थी वो भी यहां पर उन्होंने मान्य कर दी है, ठीक है। सो यस, जिसकी भी सर्टिफिकेट 7/9/2020 के बाद की थी, 7/9/2020 के बाद, मतलब जिसने जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021 में, आज के बाद आपका अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020 में बनवाई हुई है, वो सारे चल रहे हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना कमेंट करके कि मेरा क्या 8 दिसंबर का चलेगा, मेरा जनवरी का चलेगा। अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021, इसके बाद भी किसी ने बनवाया वो भी चल रहा है आपका, ठीक है। सो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल चलेगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। तो एक नया स्पोर्टिव और एक नई पहल कि आपको जॉब देना चाहती है दिल्ली पुलिस, ठीक है। सो आपकी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बिल्कुल नया चलने वाला है, ठीक है। अगला आपके पास सवाल यहां पर हम आ जाते हैं, ओबीसी न्यू, तो डेफिनेटली जब आपके पास ये बात बिल्कुल डेफिनेट है कि आपका जब ईडब्ल्यूएस चल रहा है तो ओबीसी भी न्यू चल रहा है, और ओबीसी के लिए एक और अच्छी बात है, जिसका 2015 का है ओबीसी, जिसका मान लो 17 बता रहे थे, जिसके पास 2015 का है, 16 का है, वो भी आपके चल रहे हैं और 2021 के भी चल रहे हैं। सो यू नो, आपको बिल्कुल भी ये पता होना चाहिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिसका भी आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट 2015 का है, 16 का है, 17 का है, वो तो चलेगा ही चलेगा। जिसके पास अक्टूबर 2020, नवंबर 2020, दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021, मार्च 2021, अप्रैल 2021, ये इसके बाद का ओबीसी है, वो भी यहां पर चलेगा। तो सो आपके पास 2015 से लेके 2021 तक के आपका अगर बना हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट तो वो बिल्कुल चलेगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगला सवाल एससी न्यू, तो जब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ही चल रहे हैं तो ये भी आपका तो चलना ही चलना है। सो एससी भी आपका न्यू चल रहा है और पुराना भी आपके पास 15/14/13 का है, वो भी आपका चल रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर किसी के पास आप ओबीसी सर्टिफिकेट नया पुराना दोनों है तो वो दोनों लेके जाएगा, एक नहीं लेके जाएगा, ठीक है। अगला सवाल चिप, क्या आपके चिप लग रही है? यस, बिल्कुल चिप लगी है छाती पे, जो आपके एक जो वो बिल्कुल एक जो बांधी थी ना ढाल, आपकी नंबर लिखकर 989786 उसके अंदर ही चिप लगी हुई है जो आपका कैलकुलेट करता है, पैर पे नहीं बांधी गई थी, ठीक है। सो चिप आपको पता लग गई है, चिप भी आपको लगाई गई है, चिप ही आपका कैलकुलेट कर रही है। सो यहां पर एक चीज और निकल के आती है, जिसका भी टाइम अब ज्यादा आ रहा है, पहले क्या होता था रस्सी खींची जाती थी, ठीक है, अब रस्सी खींचने में तो भैया 2 मिनट रस्सी खींची इतनी देर में, सॉरी 2 सेकंड में खींची इतने कोई बच्चा आगे निकल जाता था, ठीक है। सो यहां पर आपकी एग्जैक्ट है, अगर आपका 6/2 है सो आपने एग्जैक्ट 6/2 हो, और अगर आप 6 हैं तो एग्जैक्ट आपकी 6 है। सो यहां से एक चीज क्या निकल के आती है, तो यहां से निकल के आती है कि दिल्ली पुलिस जो आपको बाहर करने की फिराक में, वो सिर्फ आपको आपके लेवल पे बाहर कर रही है। भाई हमारे ऊपर कोई भी लांछन ना लगे, हमारे माथे पे कोई कलंक ना लगे कि हमने आपको बाहर कर दिया, ठीक है। आप अपने कर्मों की वजह से बाहर हुए, अब कर्मों की वजह से बाहर क्या है कि ये सोचते रहे कि मेरा सर्टिफिकेट नया है, मैं दौड़
दौड़ू ना दौड़ू, मैं फिजिकल करने जाऊं ना जाऊं, मेरे दर्द हो रहा है, मैं रनिंग करूं ना करूं, जिन्होंने ये सोचा ना वो बाहर हो रहे हैं, और जिन्होंने इस दर्द को ताकत बना लिया, देखा ना ओबीसी नया है ठीक है, ईडब्ल्यूएस नया है ठीक है, देखा जाएगा, लेकिन मेरे को तो जाना है फिजिकल करने, वो आज सिलेक्शन ले जा रहे हैं ठीक है। सो जो अपनी वजह से रह गए, अपनी गलतियों की वजह से रह गए, वो बाहर हो रहा है, बाकी दिल्ली पुलिस किसी को बाहर नहीं करे। आप देखो ना इतिहास रच दिया यार, हाइट छोटी ले रहे हैं, चेस्ट कम ले रहे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं ले रहे, और क्या जान लोगे आप इनकी, सब कुछ दे रहे हैं। अब अगर रनिंग भी आप नहीं कर पाए, लॉन्ग जंप आप नहीं कर पाए, हाई जंप नहीं कर पाए, तो इससे ज्यादा इसमें उनकी क्या गलती है। अब वो तो आपको उठा के लॉन्ग जंप की लाइन पर डालने वाले हैं नहीं ठीक है, यहां तक कि वो आपको टाइम भी दे रहे हैं कि भाई आधा घंटा रेस्ट करना है, तू रनिंग करके आया भाई, आधा घंटा रेस्ट के बाद कूद जाइयो ठीक है, 15 मिनट बाद कूद जाइयो, और थोड़ी देर रुक जा, लेट ले, रेस्ट कर ले, फिर कूद जाना, इससे ज्यादा क्या होता है ठीक है। सो कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं आपको, बस आपकी कमी की वजह से ही आप बाहर हो सकते हो। अगला सवाल, चश्मा लगा के रनिंग कर सकते हैं नहीं, मेरे इसमें आया था कमेंट्स में एक सवाल, तो देखिए अभी तो आपको ना चश्मे के लिए बाहर निकाल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, वो तो आपके ऊपर है, चश्मा लगा के भागो बिना चश्मे के भागो आपके हाथ में है, जैसे भी भागना आप भाग सकते हो ठीक है। अगला है घड़ी, तो देखिए घड़ी आपको ग्राउंड तक तो अलाउड है, लेकिन ट्रैक पर अलाउड नहीं है ठीक है, ट्रैक पर आप घड़ी पहनकर नहीं दौड़ सकते, वहां पर आपको अलाउड नहीं है ठीक है। सो आप ग्राउंड पर पहन के जाओगे तो उसका फायदा क्या, ग्राउंड तक क्या करने जाना है, लेकिन आपको एक फायदा मिलेगा, वहां पर चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हैं, किसी से पूछ लो सर कितना टाइम बचा है, वो आपको तुरंत बताएंगे आपके पास 3 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे, 1 मिनट बचे, सो आपकी घड़ी आपके पास खड़ी रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है। अगला सवाल, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आपकी 72 घंटे की है तो वो मान्य है, अगर इससे पुरानी है नहीं चलेगी, नई नहीं है तो भी नहीं चलेगी, डायरेक्ट बाहर हो, कोई भी सुनवाई नहीं है। अब आप सुन लो, जिनको भी न्यू बनवानी है कोविड रिपोर्ट, वो कैसे बनवाएगा जल्दी से सुन लो, जिस दिन उसका फिजिकल है उससे 3 दिन पहले बनवाएगा ठीक है, जिस दिन उसका फिजिकल है उससे 3 दिन पहले बनवा लेगा, उसकी चल जाएगी। मान लो यहां पर फिजिकल 29 तारीख का है ठीक है, तो 3 दिन पहले कितने हो गए, 26, 27, 28, तो मतलब 26 को सैंपल देगा वो ठीक है। किसी का अगर ऐसे ही 30 का है तो आप आगे एक दिन और बढ़ा लो, 27, 28, 29, 27 तारीख को क्या देना है, सैंपल देना है ठीक है, समझ में आ गया। अगला है आपका बॉयज का रेशियो, तो भैया बॉयज ने क्या, हर एक उसके अंदर आपका बॉयज ने 12 से 15 का एवरेज रहा है, बस आपका इतने बॉयज क्लियर कर पाए 12 से 15 एक बैच के अंदर ठीक है। सो 50-50 का जो था उसमें 12 से 15 का ही रेशियो आपका बन पाया। सो यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेशो बहुत कम है गर्ल्स का या बॉयज का, अटेंडेंस भी कम है, साथ में पास आउट भी कम कर रहे हैं आपका। सो इन सारी चीजों से पता लगता है। अगर कट ऑफ की एक बात करें ना, तो अब गर्ल्स के लिए तो सुनहरी मौका है, जिन गर्ल्स के पॉइंट से लेके 5 नंबर तक ऊपर है वो यहां रिस्क ले सकती है पॉइंट वाली, लेकिन जिन लड़कियों के 1 नंबर ऊपर था ना, अब वो 1 से 5 की लिस्ट में आ चुकी है, उनका सिलेक्शन के चांस 90 से 95% तक बढ़ चुके हैं ठीक है। सो अब घबराने की जरूरत नहीं है, लड़कियां तो 1 नंबर वाली है, वो भी आप आराम से दौड़ो, बिंदास दौड़ो ठीक है। सो और कोई सवाल है, नहीं सारे सवाल कंप्लीट हो गए हैं, इनसे ज्यादा तो आपको कोई समाचार मिल भी नहीं सकते, एक ही वीडियो में सारे समाचार आपके दे दिए, सारे कमेंट्स के रिप्लाई दे दिए, मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा कमेंट्स बचा होगा ठीक है। अब इतना सब कुछ करने के बाद एक लाइक, एक शेयर, नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये 4 चीजें आपको करनी है। 15 चीजों के सवाल मैं दे चुका हूं आपके जवाब, और भी बातें आपको बता चुका हूं ठीक है। सो इसके बाद ये 4 चीजें आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है ठीक है। चलिए तो ये 4 चीजें करने के बाद ही आप चैनल पर से जाइएगा, इसके साथ ही कल जिनका भी फिजिकल उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से जाइएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया ग्राउंड है, सब कुछ अच्छी चीज है, अच्छे से कोऑपरेट आपको कर रहे हैं, टाइम से आप पहुंच जाना बस ठीक है। चलिए सो आज के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको कल की वीडियो का हाल सुनाने के लिए एक बार फिर मैं आपके साथ आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद।